हेलो इन्वेस्टर्स। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि गाइस मैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ कुछ काम करना चाहता हूं पर्सनली। तो गाइस जो भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट करिए। मैं सिर्फ 10 पीपल सिलेक्ट करूँगा, उससे ज़्यादा मैं सिलेक्ट नहीं करने वाला, लिमिटेड है। और गाइस कोई ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई इसका चार्ज नहीं करने वाला। मुझे सिर्फ उनके साथ काम करना है सो देट मैं उनको प्रॉफिट अर्न करा पाऊँ और मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो गाइस नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के जिन्हें भी इंटरेस्टेड है। तो गाइस अब बात करते हैं शेयर की। तो इस शेयर के बारे में बहुत सारी वीडियोस आ रही है कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाइए, ये शेयर में क्या होगा, हम फंसे हुए हैं वगैरह वगैरह। तो गाइस इसके बारे में सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये शेयर शॉर्ट टर्म वाले के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो 1-2 साल तक इसके अंदर अपना पैसा रख सकता है तो ज़रूर अभी ये सही टाइम में इन्वेस्ट करने का आप इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये शॉर्ट टर्म वाला इसमें इन्वेस्ट करेगा, अभी ये 6.90 के ऊपर है, ये 2 महीने में 2 रुपया बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, फिर डाउन भी जा सकता है। तो गाइज ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बेनिफिशियल है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो और गाइज इसकी एक न्यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसका कुछ ऐसा है कि ट्राइडेंट लिमिटेड टम्बल्ड 7.90% टू ₹6.84, और ये बहुत ही इसको लॉस हुआ है। ये थर्ड बिगेस्ट लूज़र है ए ग्रुप के अंदर, और BSE के अंदर गाइज 32.8 लाख शेयर ट्रेडेड हुए हैं, जो कि इनकी एवरेज 22.71 है पास्ट मंथ में, 1 मंथ में। तो इसका सीधा सीधा एक यही है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गाइस शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी सही इन्वेस्टर करने का शेयर नहीं है। तो गाइस ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। एनालाइज वीडियो मैं पिछली बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, और ऐसे ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिएगा चैनल।